अस्सलाम वालेकुम। तो मेरा नाम मूसा हफीज़ है। तो मिसबाह अल हक़ के बारे में बात की जाए कि वो गुफ्तगू कर रहे थे, तो उन्होंने बात की कि मोहम्मद हफीज़ और बाबर आजम के बारे में कि मोहम्मद हफीज़ ने इस वजह से टेक्निकल कमेटी को नहीं छोड़ा कि वो सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट और जो खिलाड़ियों की टीम सिलेक्शन है उस पर उन्हें इशूज़ था, बल्कि उन्हें कोई और जो आती जो टीम सेलेक्ट किया वो बाबर आजम और इंजमाम अल हक़ ने किए। उसके जो भी रिजल्ट आएंगे उसके जिम्मेदार जो है बाबर आजम और इंजमाम अल हक़ होंगे, हमें उससे कोई तलक नहीं है, हमें जो काम दिया गया हम वो काम करें। तो उन्होंने उसके अलावा कहा कि पाकिस्तान जो है गलत टाइम पे मोमेंटम अपना लूज़ करके जीतने का, पाकिस्तान बहुत अच्छी टीम है, कैपेबल है किसी टीम को भी हराने की। नैदरलैंड और श्रीलंका के खिलाफ मैच है, उसमें पाकिस्तान अपना जीतने का मोमेंटम कैरी कर सकते हैं। उसके अलावा उन्होंने कहा कि फ़ख्र ज़मान एक इम्पैक्टफुल प्लेयर है। इसके अलावा उन्होंने कहा कि फ़ख्र ज़मान एक मैच विनिंग प्लेयर है और इम्पैक्टफुल प्लेयर है, तो इस वजह से टीम उनको बैक करी है। अगर वो राइट टाइम पे फॉर्म में पकड़ गए तो वो पाकिस्तान के लिए बहुत अच्छा होगा और वो पाकिस्तान पूरी टीम जो है वो बैक बोन बन जाएंगे और पाकिस्तान एक विनिंग ट्रैक पर चला जाएगा, क्योंकि फ़ख्र ज़मान की परफॉर्मेंस बहुत ज़रूरी है। तो अब देखते हैं जो भी सिचुएशन बनती है। कल पाकिस्तान का ऑस्ट्रेलिया के साथ फॉर्म मैच है, उसके बाद 6 तारीख से पाकिस्तान के वर्ल्ड कप कैंपेन स्टार्ट हो रही है।